खेल तो सभी खेलते हैं, खेल तो बस खेल है। इसमें हारो या जीतो, इनाम मिले या न मिले, परंतु कुछ विशेष लोग हैं जिन्होंने खेल को सिर्फ खेल समझकर नहीं खेला बल्कि उसे जीवन का अंग बना लिया, और उनका नाम दुनिया के क्षितिज पर तारा बनकर चमकने लगा। ऐसा ही एक नाम है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री सोमेश्वर सिंह था। वो अंग्रेजों की फौज में सूबेदार थे। कुछ समय बाद श्री सोमेश्वर सिंह झांसी आकर रहने लगे। झांसी की इन गलियों में ध्यानचंद खेले, पले और बड़े हुए। सन 1922 में ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ फौज में भर्ती हो गए। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज सैनिकों ने भारत में हॉकी का खेल खेलना शुरू किया था, और धीरे धीरे भारतीय सैनिकों ने भी इस खेल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ध्यानचंद ने हॉकी कैसे खेलना शुरू किया, इस बारे में वो खुद कहते हैं, जब मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुआ तब मेरे मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने, जो स्वयं भी हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने मुझे हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी के क्षेत्र में बहुत नाम था। मेरी रेजिमेंट के ज्यादातर सिपाही इस खेल में हिस्सा लेते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने के लिए कोई समय निश्चित नहीं था। जब भी हम सैनिक चाहते मैदान में पहुंच जाते और खेलना शुरू कर देते। सेना की वार्षिक हॉकी प्रतियोगिता हुई, जिसमें ध्यानचंद की टीम पहली बार ही जीत गई, और इसके बाद उन्होंने और अधिक अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसी बीच सन 1926 में न्यूजीलैंड का दौरा इस टीम ने किया। 13 मई 1926 को भारतीय टीम ने विदेशी भूमि पर अपना पहला हॉकी मैच खेला। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और 5 मैच जीते। इस टीम ने कुल 60 गोल किए, जिसमें से 35 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए। 1928 में कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम गई, और 13 मई 1928 को ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत को ही मिला। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से, बेल्जियम को 9-0 से, डेनमार्क को 5-0 से, स्विट्जरलैंड को 6-0 से, और फाइनल मैच में हॉलैंड को 3-0 से हराकर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया। सन 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारतीय टीम में ध्यानचंद व उनके भाई रूप सिंह भी गए। इस ओलंपिक के पहले मैच में भारत ने जापान को 11-0 से हराया। ध्यानचंद ने 4 और रूप सिंह ने 3 गोल किए, और खिताबी मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये आज तक का एक विश्व रिकॉर्ड है। सन 1936 में मेजर ध्यानचंद का विवाह ललितपुर के धवारी गांव की जानकी देवी के साथ हुआ। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक जाने के लिए तैयार थी, पर मेजर ध्यानचंद को टीम के साथ जाने की अनुमति नहीं थी। टीम के कप्तान श्री जाफर का चयन हो चुका था। भारतीय हॉकी टीम, और वो भी बिना ध्यानचंद के। सेना ने ध्यानचंद को सिर्फ 4 दिन पहले ही बर्लिन जाने की अनुमति दी, और जैसे ही ध्यानचंद अपनी टीम में पहुंचे, श्री जाफर ने कप्तानी का ताज मेजर ध्यानचंद के सिर पर रख दिया। इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने हंगरी को 4-0 से, अमेरिका को 7-0 से, जापान को 9-0 से और फ्रांस को 10-0 से हराया, और जर्मनी जैसी सशक्त टीम को 8-1 से हराकर विश्व हॉकी जगत में तहलका मचा दिया। इस मैच को देखने के लिए हिटलर भी आए हुए थे। ध्यानचंद का खेल देखकर हिटलर ने ध्यानचंद से कहा, तुम कौन हो? ध्यानचंद ने कहा, मैं भारतीय सेना में सिपाही हूं। हिटलर ने कहा,
अगर तुम जर्मनी में होते तो मैं तुम्हें जनरल बना देता। भारत ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता और साथ ही एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। और यहीं से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी, स्पेन, मलेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड और डेनमार्क आदि देशों के साथ 133 मैच खेले और 360 गोल किए। मेजर ध्यानचंद के झांसी स्थित इस घर के एक कमरे को सिर्फ मेडल्स और शील्ड्स द्वारा सुशोभित किया गया है। हॉकी के जादूगर ने अपने जीवन में 400 से अधिक गोल किए। दत्ता ध्यानचंद जीवन भर हॉकी खेलते रहे और हॉकी खेलना सिखाते रहे। देश विदेश में उन्होंने ढेरों इनाम जीते और सम्मान पाते रहे। दुनिया में उनका नाम हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सन 1956 में मेजर ध्यानचंद को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद के 7 पुत्र हैं, सभी हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। अशोक कुमार ने अपने पिता की तरह हॉकी के खेल को खेला और अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया। ध्यानचंद की नातिन नेहा सिंह अब हॉकी के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। नेहा सन 1998 के एशियाड खेलों में बैंकॉक गई और सिल्वर मेडल जीत कर आई। नेहा को 1.5 लाख रुपए का चेक भी इनाम स्वरूप मिला है। नेहा अपने नाना के बनाए रिकॉर्ड्स को शायद तोड़ दे। झांसी के इतिहास को विश्व में पहुंचाने वाले गुलाम भारत में भारत और झांसी का संसार में जाजुल्यमान कीर्तिमान इतिहास बनाने वाले दद्दा मेजर ध्यानचंद जी थे। उन्होंने जो भारत और विश्व में झांसी और भारत का नाम किया, वो आज भी भारत के और विश्व के बच्चों के लिए, विश्व की जनता के लिए, खेल जगत के लिए एक अनुकरणीय आदर्श है। मुझे स्मरण है, मुझे जर्मनी में और विश्व के तमाम देशों में 18 महीने तक भारतीय संस्कृति की दिग्विजय यात्रा का सौभाग्य मिला है। 1967 और 1968 में 15 अगस्त 1967 में विदाई देते हुए मेजर ध्यानचंद जी, आचार्य धुलेकर, राष्ट्र मैथिली सेनगुप्त, वृंदावन लाल वर्मा और ए जी खैर स्पीकर ने विदा करते समय दद्दा ने मुझे कहा, आप कहीं भी भारत की बुराई न करेंगे न सुनेंगे। और दूसरा आदेश दिया था, जो भारत से विदेश जाता है वह लौट कर नहीं आता। शास्त्री जी, संकल्प कीजिए कि आप भारत वापस आएंगे और भारत की बुराई कहीं नहीं सुनेंगे। मुझे जर्मनी के हिटलर की, म्यूनिख म्यूजियम की वो बात
जब मेरे कुछ चित्र वहां लोगों ने देखे, हैमबर्ग, हाइडलबर्ग, बॉन, कोलोन, स्टुटगार्ट, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख में, तो दद्दा ध्यानचंद के साथ मेरे चित्र और झांसी के नाम से जो मुझे सम्मान मिला उसका श्रेय मेजर ध्यानचंद को है। दद्दा ने सबको हराया और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, अमेरिका को अमेरिका में हराया, जर्मनी को जर्मनी में हराया, जहां खेले जब खेले तब हराया ऑलमोस्ट। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वी आर नो इन्फीरियर। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनका इतना बड़ा संग्राम में कंट्रीब्यूशन मैं इसको मानता हूँ कि उनने इस देश को ये महसूस करा दिया कि भाई हम उनसे इन्फीरियर नहीं हैं। उनके समय में तो हॉकी खुद अपने गांठ के पैसे से खरीदनी पड़ती थी और अपनी यूनिफॉर्म सिलवानी पड़ती थी, तब तपस्या करके खेले हैं ये लोग। इसलिए इनके समय में जो फिर हमारा राष्ट्रीय चरित्र बना, हमने विदेशियों को भगा दिया, उस समय हमारा स्वास्थ्य कैसा था सोचने की बात है। आज तो उसकी दृष्टि से हम कुछ नहीं है। बच्चों को इससे अच्छा तो कोई मॉडल मिल ही नहीं सकता कि इंटरनेशनली जब तक वो जीवित रहे, जब तक वो खेले, तब तक कभी आउट नहीं हुए, कभी सेकंड नहीं हुए, ऐसा कौन हुआ इस देश में? एक ही हुआ है, ध्यानचंद। विश्व खेल जगत में भारतीय हॉकी को पहला स्थान दिलाने वाले दद्दा ध्यानचंद ही थे। हॉकी सम्राट की याद में कई चौराहों व सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए। पूरे भारत में जगह जगह पर दद्दा ध्यानचंद के नाम पर स्टेडियम बनाए गए। जगह जगह पर उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। उनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया गया। आज उनके नाम से कई हॉकी टूर्नामेंट खेले जाते हैं। दद्दा ध्यानचंद के नाम से हॉकी के खिलाड़ियों को ट्रॉफी भी दी जाती है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में समस्त भारत में मनाया जाता है। दद्दा ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है द गो। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के सम्राट ने सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली। हीरोज ग्राउंड में आर्मी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद वैदिक रीति से उनका दाह संस्कार संपन्न हुआ। उसी हीरोज ग्राउंड में जहां दद्दा खेलते थे उनकी समाधि भी बनाई गई। विश्व के मानचित्र पर भारतीय हॉकी को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए हम सभी कृतज्ञ भारतवासी आपको शत शत प्रणाम करते हैं।